डिस्कस करूंगी वो आपका सब्जेक्ट है इसमें फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो आपको टीम में बुक्स हैं वो आर एन मेहता, आर एस पी अग्रवाल बुक्स हैं। एस पी अग्रवाल की एक बुक आती है इसके लिए, और दूसरी बुक है इसमें आर एन मेहता, जो डिप्लोमा लेवल की बुक्स मैं आपको इसमें बता रही हूँ। इसके अलावा आप और भी जो फार्मास्यूटिक्स की अगर आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो डिग्री लेवल की बुक्स आप उसमें रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज दीज बुक्स आर मोर देन सफिशियंट टू कंपाइल योर सिलेबस। तो व्हाट इज अ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स, एक्चुअली फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मास्यूटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो आप रीड करोगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स। डोसेज फॉर्म्स क्या होती हैं? जैसे मार्केट में बहुत सी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे सपोज अगर हम एक सिंपल पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई भी मेडिसिन है मार्केट में, हर एक मेडिसिन जो है एक केमिकल होता है, तो उस केमिकल को आप डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि डायरेक्टली वो उसको पहले तो डोसेज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। डोसेज फॉर्म क्या होता है कि उस मेडिसिन को या तो आप सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड यानी टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में जैसे कोई सॉल्यूशन, सिरप्स या कोई सस्पेंशन के फॉर्म में, या उसको सेमी सॉलिड जैसे कोई भी जैसे ऑइंटमेंट्स हैं जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, या इस तरह से डिफरेंट डोसेज फॉर्म के अंदर आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब हम उस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो कोई भी ड्रग है, हर एक ड्रग को सबसे पहले उसके डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके ड्रग के अलावा उसमें बहुत सारे नॉन ड्रग कंपोनेंट भी ऐड करने पड़ते हैं। जैसे सपोज पैरासीटामोल का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, पैरासीटामोल बहुत कॉमन है मेडिसिन जो रूटीन में टेम्परेचर के लिए यूज होती है। तो अगर आप मार्केट से पैरासीटामोल के अलग 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 टैबलेट्स लेके आएंगे तो उसमें कोई टैबलेट 650 mg की होगी या 500 mg की टैबलेट भी होगी, उनकी अगर आप इंग्रेडिएंट्स जो लेबल होता है इसकी पैकिंग के ऊपर उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें आप ये देखेंगे कि किसी के अंदर पैरासीटामोल तो 400 mg है प्लस उसके अंदर इंग्रेडिएंट मतलब एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मिक्स किए हुए हैं, या 625 की mg की टैबलेट के अंदर 500 mg मिलीग्राम जो है पैरासीटामोल है और उसके अलावा 125 अदर इंग्रेडिएंट्स है। ये अदर इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब है कि जैसे पैरासीटामोल तो इसके अंदर हो गया एक मेन कंपोनेंट या मेन ड्रग कंपोनेंट, इसके साथ हमें जो इसको कई बार क्या होता है कि ड्रग की क्वांटिटी इतनी थोड़ी होती है कि हमें उसके साथ कुछ नॉन ड्रग कंपोनेंट ऐड करने पड़ते हैं, नॉन ड्रग कंपोनेंट्स। ये जो नॉन ड्रग कंपोनेंट्स है, इन नॉन ड्रग कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं एडिटिव्स। एडिटिव्स इनको नॉन ड्रग कंपोनेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस हमारी बॉडी में जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगा, जो टेम्परेचर को कम करने का काम करेगा, वो सिर्फ पैरासीटामोल करेगा। ये जो बाकी के कंपोनेंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं, बाकी के कंपोनेंट जैसे लैक्टोज, सुक्रोज, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो आप क्या इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, वो ये कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं शो करता। इट शो नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज अ नॉन ड्रग कंपोनेंट। तो इनको हम मिक्स करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आपके इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है, फार्मास्यूटिक्स है तो उसमें आपकी टैबलेट्स क्या हैं, कैप्सूल्स क्या हैं, आपको देखने में पता है कि टैबलेट्स कैसे दिखती है लेकिन उसके अंदर मिक्स क्या क्या करते हैं, उसके अंदर ऐड कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, या कैप्सूल्स हैं कैप्सूल्स को बनाते कैसे हैं, सॉल्यूशंस को बनाते कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। तो उससे पहले फर्स्ट टॉपिक के अंदर जस्ट हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि टैबलेट को डिफाइन कैसे करेंगे, कैप्सूल को डिफाइन कैसे करेंगे, या सॉल्यूशंस को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसको ईजी करने के लिए थोड़ा सा एक इसका चार्ट ड्रॉ करते हैं जिसमें डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स।
pharmaceutical dosage forms. ये जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स हैं, आप कभी थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा सेटअप कीजिए कि मेडिसिन की तरह अगर हम देखें तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट जो मेडिसिन हैं, यहाँ जो ड्रग जो वर्ड यूज किया गया, ड्रग वो ड्रग्स के लिए नहीं, ड्रग यहाँ जो भी मेडिसिन हैं मार्केट में जो हम अपनी बॉडी को कंफर्ट करने के लिए या बॉडी के जो भी डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए यूज करते हैं मेडिसिन, उनके लिए हमने यहाँ पे ड्रग वर्ड यूज किया है. तो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स मार्केट में तीन तरह की अवेलेबल होती हैं. फर्स्ट इज सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, इसका मैं यहाँ एक चार्ट आपको ड्रॉ करके दूंगी. ये चार्ट आप पूरा साथ के साथ नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपने को ये चार्ट आपने नोट किया होगा तो इस चार्ट से आपको सारी की सारी डेफिनेशन आगे करनी ईजी हो जाएंगी. लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, जैसे वो सॉलिड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हो. सॉलिड क्या क्या हो सकती हैं? टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं या पाउडर्स हैं, ये सभी सॉलिड हैं. ठीक है, तो सॉलिड डोसेज फॉर्म्स की क्या क्लासिफिकेशन होगी, दैट इज इसकी मैं आगे क्लासिफिकेशन लिखती हूँ. टैबलेट्स, टैबलेट्स आगे बहुत सी तरह की होती हैं, जैसे कैचेट्स हैं, कैचेट्स भी एक टैबलेट्स हैं, पिल्स हैं, पिल्स भी एक टैबलेट्स के टाइप्स हैं, इसी तरह से कंप्रेस्ड टैबलेट्स हैं. ये टैबलेट के बनाने के मेथड पे डिपेंड करता है कि टैबलेट कैसे बनाई हुई है. ठीक है, तो ये होगी टैबलेट्स. इसके बाद होगी कैप्सूल्स. कैप्सूल्स फिर से दो तरह के होते हैं आगे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स. पाउडर्स, पाउडर्स हम बहुत से तरह के यूज करते हैं. पाउडर्स में जैसे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो एज मेडिकेटेड पाउडर और नॉन मेडिकेटेड पाउडर. मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड पाउडर. अब इसमें जैसे टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स में कैचेट्स, पिल्स या कंप्रेस्ड टैबलेट्स, कैप्सूल्स, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, पाउडर्स में आ जाएंगे मेडिकेटेड पाउडर्स या नॉन मेडिकेटेड पाउडर्स. ये आगे भी जैसे बहुत तरह की क्लासिफिकेशन है, वो जैसे जैसे हम डेफिनेशन करते जाएंगे यूज के हिसाब से कि कोई ओरली यूज होती है, कोई एक्सटर्नली यूज होती है बॉडी से बाहर, ठीक है, तो या फिर कोई पेरेंटली कोई प्रिपरेशन यूज हो रही है, तो हम उसके यूज के हिसाब से भी उसकी आगे क्लासिफिकेशन करते जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड डोसेज फॉर्म्स. लिक्विड डोसेज फॉर्म को आगे फिर से दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स एंड बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स. लिक्विड डोसेज फॉर्म्स का मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ LDF. यहाँ मैंने कलर्स डिफरेंट डिफरेंट इसलिए यूज किए हैं ताकि ये चार्ट में आपको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाए. अब अगर मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म और बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या है. मोनोफेजिक फेजिक जैसे नाम से ही क्लियर है, एक ही फेज, एक ही फेज का होना, मतलब कि जैसे अगर आप सपोज वाटर और एल्कोहल को मिक्स कर देते हो या आप शुगर को पानी के अंदर डाल देते हो,
तो शुगर पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, वाटर और अल्कोहल आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि उसमें कितना वाटर है कितना अल्कोहल है। इसी तरह से शुगर सॉल्यूशन के अंदर भी आप जब शुगर घुल जाती है तो आप उसमें पता नहीं लगा सकते कि बिना उसको टेस्ट किए कि क्या ये शुगर सॉल्यूशन है या प्लेन वाटर है। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का क्या मतलब है कि जब एक ही फेज में, एक ही कंटिन्यूस फेज में कोई मेडिसिन एग्जिस्ट करती है। और बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का क्या मतलब है कि इसमें जैसे आपने नाम सुना होगा आगे इमल्शंस एंड सस्पेंशंस, इमल्शंस और सस्पेंशंस कि जैसे ऑयल और वाटर को अगर हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो ऑयल और वाटर को कुछ टाइम तक अगर वो पड़ा रहने दें तो वो ऑयल और वाटर दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं। तो वो इस तरह से वो एक इमल्शन का एग्जांपल है। या सस्पेंशंस में जैसे जो छोटे बच्चों की जो प्रिपरेशन आती हैं, सपोज एमोक्सिसिलिन सस्पेंशन, मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन, उनके ऊपर स्पेशली एक डायरेक्शन लिखी होती है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि ये थोड़ा टाइम के लिए अगर अनडिस्टर्ब पड़ी रहेंगी तो ये दोनों फेज बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इसके कारण जो मेडिसिन है जितनी अमाउंट में या जितने प्रॉपर अमाउंट में हमें लेनी चाहिए वो हम ले नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह से मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, सिंपल जैसे सोचकर सोल्यूशन हो गए इसके अंदर सारे, सिरप्स हो गई, सिरप्स जितनी भी शुगर सॉल्यूशंस हैं, या बच्चों के लिए जो एल्युमिनियम सिरप, एमोक्सिसिलिन सिरप्स आती हैं, एंटीबायोटिक्स की जितनी भी सिरप्स आती हैं। सिरप्स का मेन पर्पज यही होता है कि कोई ड्रग है उसका टेस्ट मास करने के लिए, कई बार इतनी कड़वी मेडिसिन होती हैं कि उनको लेना ईजी नहीं होता, तो उसके टेस्ट को हाइड करने के लिए हम उसको सिरप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा है जैसे ड्रॉप्स, ड्रॉप्स में जैसे आपने पोलियो ड्रॉप्स का नाम सुना होगा कि वो ड्रॉप्स हो गई, या आपने जैसे ईयर ड्रॉप्स का नाम सुना है, आई ड्रॉप्स जो हम यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम बॉडी में इंटरनली यूज कर रहे हैं या एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं। सॉल्यूशन, सिरप्स, ड्रॉप्स, ड्रॉप्स, लिंटसिस, या फिर जैसे लिनीमेंट्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के अंदर आ सकते हैं, जैसे गार्गल्स, माउथ वॉश, ये भी सब मोनोफेजिक की एग्जांपल्स हैं, गार्गल्स या माउथ वॉश। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हैं जो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तीसरा है इसके अंदर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब जिसकी कंसिस्टेंसी सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच की होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड्स में कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, सबसे कॉमन एग्जांपल इज टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, ठीक है। लेकिन टूथपेस्ट में जैसे जो कॉलगेट है या जो रूटीन में आप पेप्सोडेंट यूज कर रहे हो उनको हम फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, वो नॉन मेडिकेटेड प्रिपरेशन है। जैसे कई बार जो मेडिकेटेड प्रिपरेशन होती है, जैसे चाइना से जो एक आजकल टूथपेस्ट आती है जिसको एंटी कैविटी टूथपेस्ट के लिए यूज करते हैं, या बहुत सी फ्लोराइड रिलेटेड टूथपेस्ट आती है, या ऑइंटमेंट्स हैं जिसे चोट लगने के बाद के पर आप बीटाडीन का जो सोल्यूशन लगाते हो वो सोल्यूशन फॉर्म में भी यूज होता है, वो उसकी ऑइंटमेंट भी आती है, तो वो सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में आ जाएंगे। तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या आएगा, पेस्ट, पेस्ट दो तरह के हो सकते हैं, इसी तरह से मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड का क्या मीनिंग है यहाँ पे, मेडिकेटेड जिसके अंदर हमने कोई ड्रग ऐड की हुई है ताकि उसका हमारी बॉडी में जाके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करे, और नॉन मेडिकेटेड जो हम कॉमन पर्पस के लिए यूज करते हैं। सेम मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड जो वर्ड है मैंने यहाँ पाउडर्स के लिए भी यूज किया था। सेकेंड जो एग्जाम्पल है इसमें आप ले सकते हो ऑइंटमेंट्स का। थर्ड जो एग्जाम्पल है आप इसमें ले सकते हो सपोजिट्रीज, या सपोजिट्रीज जो ये भी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में आ जाएंगी, जेल्स,
jellies. These are the semi-solid dosage form. तो आपके सिलेबस में क्या है, आपको इन सब की डेफिनेशंस वन बाय वन कवर करनी है. तो कुल मिला के 35 से 40 डेफिनेशंस हैं. एक एक करके हम इनको कवर करेंगे. एक बार अगर आपको ये चार्ट दिमाग में है तो आप उस चार्ट से किसी भी, जैसे सपोज अगर आपसे पूछा जाता है कि ड्रॉप्स क्या है, तो आपको पता है कि ड्रॉप्स आपका यहाँ मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में, लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर आता है. तो स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो कि ड्रॉप्स आर द मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, ठीक है, विच इज अ टाइप ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म. आगे उसमें ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स के हिसाब से कि आपके वो मेडिकेटेड ड्रॉप है या सिंपल ड्रॉप्स हैं, उसके हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो कुल मिला के अगर ये चार्ट आपके दिमाग में है तो उस चार्ट से आप किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की स्टार्टिंग कर सकते हैं. ओके, तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए. ये कुछ हो सकता है एक आध बुक में आपको मिल भी जाए, लेकिन सभी बुक्स के अंदर ये चार्ट अवेलेबल नहीं होगा. Now we will discuss, अब हम definition start करते हैं एक एक करके कि अच्छी ये होती क्या है. सारी preparations हैं इनकी जो आपके syllabus में या जो आपके exam में जो questions आते हैं, वो आपके exam में कभी भी इस तरह से complete question नहीं आता. आपके exam में question आएगा कि define tablets, या आपके exam में question आ सकता है what is an emulsion. जैसे इमर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इमर्शन के ऊपर कोई चार नंबर का, व्हाट इज द सस्पेंशन, इस तरह से आपके एग्जाम में अलग अलग से डेफिनेशंस भी आ जाती है दो दो नंबर की, या इनके आगे जब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और लेके तीन या चार नंबर के रूटीन में ये क्वेश्चन आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में आपको यही नहीं पता होगा कि इसमें इमर्शन क्या है, सस्पेंशन क्या है, टैबलेट्स क्या है, तो आगे जो इनके रेफर्ड चैप्टर्स हैं उसके अंदर आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज सॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन. व्हाट आर सॉल्यूशंस? अब अगर मैं सॉल्यूशंस को डिफाइन करूं तो सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस आर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको वो चार्ट क्लियर है तो उस चार्ट से आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं. तो सॉल्यूशंस आर मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स सॉल्यूशंस आर मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स विच मे कंटेन वन और मोर इंग्रेडिएंट. इसके अंदर मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है. इंग्रेडिएंट किसी भी प्रिपरेशन में एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. विच मे कंटेन वन और मोर इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मतलब कि क्या क्या मटेरियल इसके अंदर डाला हुआ है. सॉल्यूशंस में भी जो सॉल्यूशंस है इसमें इट दे आर ऑलवेज क्लियर और मे बी ट्रांसपेरेंट और मे बी नॉन ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और नॉन ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है. तो सॉल्यूशंस भी क्या करते हैं, वन ऑफ द वन और मोर इंग्रेडिएंट, इन दिस द दीज इंग्रेडिएंट्स आर कंप्लीटली सोल्यूबल, पूरी तरह से सोल्यूबल होते हैं, कंप्लीटली सोल्यूबल इन व्हीकल. व्हीकल होता है जिसके अंदर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं. जैसे सपोज शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, रूटीन का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें शुगर प्लस वाटर, तो जो वाटर है वाटर के अंदर हमने सॉल्यूशन बनाया, तो वाटर क्या होगा उसका व्हीकल होगा और शुगर क्या होगा उसके अंदर सोल्यूट होगा. ठीक है, अगर तो वो सेमी सॉलिड है मतलब सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम सोल्यूट बोलते हैं. वाटर उसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट या व्हीकल होगा. मोस्टली जो प्रिपरेशन है मेडिकेटेड प्रिपरेशन, वाटर, एल्कोहल, ग्लिसरीन, इनको मेनली एज अ व्हीकल यूज किया जाता है. सो दीज आर द मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स विच कंटेन द वन और मोर इंग्रेडिएंट एंड विच इंग्रेडिएंट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन द व्हीकल. तो ये जो सॉल्यूशंस हैं इनको हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, दे कैन बी यूज्ड ऑरली, दे कैन बी यूज्ड
पेरेंटली, पेरेंटल प्रिपरेशंस भी हो सकती हैं ये, और दे कैन बी यूज्ड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली ऑन द स्किन और ऑन द बॉडी सरफेस। तो ये कोई भी हो सकते हैं, तो इसके लिए दे कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर द लैब पर्पस, लेबोरेटरी पर्पस। ठीक, तो अब इसमें अगर हम इनका एग्जाम्पल लें, ओरली का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूं, ORS सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कहां यूज करते हैं ORS? ORS जब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को जब लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग ऐसा कुछ होता है, तो उनके अंदर पानी की कमी ना हो, तो उसको पानी की कमी को दूर करने के लिए हम उसमें रूटीन में चीनी पानी, चीनी नींबू का घोल, या मार्केट में जो ORS के पैकेट्स होते हैं उसको यूज करते हैं। पेरेंटल में जैसे हम जितने भी IV सॉल्यूशंस हैं, IV सॉल्यूशन जैसे जो ये ड्रिप्स लगती हैं, ठीक है, जैसे डेक्सट्रोज सॉल्यूशन का हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक्सटर्नली ऑन द स्किन। इसमें कौन सा आप एग्जाम्पल ले सकते हो? आयोडीन सॉल्यूशन, पोविडोन, आयोडीन सॉल्यूशन, जो चोट लगने पे जिसको आप बीटाडीन सॉल्यूशन भी कहते हो रूटीन में, या हाइड्रोजन परोक्साइड सॉल्यूशन, या जो डिटोल, क्या है डिटोल भी एक सॉल्यूशन है, डिटोल है जो रूटीन में हम यूज करते हैं, सेवलोन है, यह हाइड्रोजन परोक्साइड सॉल्यूशन है जो रूटीन में, ऐसा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डॉक्टर्स यूज करते हैं, ये सभी एक्सटर्नली यूज होते हैं। लेबोरेटरी पर्पस के लिए जो फार्माकोलॉजी लैब में एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, दीज आर रिंगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें मतलब ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये टिश्यू को बाहर सेम सभी चीजें प्रोवाइड करते हैं लाइफ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ताकि उनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन कर सकें। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब अगर आपके पास सॉल्यूशन के बारे में कोई भी टॉपिक आ जाता है सॉल्यूशन के बारे में आपको, तो आप इसको सॉल्यूशन को यहाँ इजीली डिफाइन कर सकते हो कि सॉल्यूशन आर द मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स व्हिच कंटेन वन और मोर इंग्रेडिएंट एंड दीज इंग्रेडिएंट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन द बीकर। सॉल्यूशन कैन बी ओरली, पेरेंटली, एक्सटर्नली ऑन द स्किन और दे कैन बी यूज फॉर द लेबोरेटरी पर्पस। और इस तरह से आप इसमें रूटीन में जो भी मार्केट में आप एग्जाम्पल दे सकते हो वो मार्केट में आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो इस इंफॉर्मेशन से आप कंप्लीटली सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हो, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से आप इसको जितना मर्जी चाहे इसको इलैबोरेट कर सकते हो। ये जस्ट एक सिंगल डेफिनेशन मैंने आज आपको इसलिए करवाई है ताकि आप समझ सको कि आगे के डेफिनेशन में आगे जितने भी करेंगे उसमें हमें क्या करना है। हर एक, जैसे सपोज मैं टैबलेट डिफाइन करूंगी या कैप्सूल डिफाइन करूंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आती है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, कितने हैं, सोल्यूबल हैं, इनसोल्यूबल हैं, किस तरह के हैं, उसको हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और उनके क्या क्या रूटीन में हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें हमने इंक्लूड करनी है। तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डेफिनेशन से। तो आज के लिए इतना, ओके, थैंक।